हटा के कीवी को छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। इसके बाद हम लेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी हमने ले लिया है, अब हम सीख लेंगे। सीख के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी लगाएंगे और थोड़ा सा कीमा भी ले लेंगे। सीख लेने के बाद हम इसके ऊपर कीमा लगाएंगे। और शेप देने के लिए हम इसके ऊपर ठंडा पानी लगाएंगे थोड़ा सा, इस तरह से। आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। अगर आपने फ्रीज करने हैं तो दरमियाने साइज़ के बनाइएगा। तवा हमने चूल्हे पर रख दिया है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और जो हमने सीख के ऊपर कबाब लगाए थे वो हम इस तरह से पका लेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब रख लेंगे। एक तरफ से कलर आ जाए तो साइड बदल लें, और जब दूसरी साइड पे कलर आ जाए